अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कोडिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो आप फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो और अगर आप नॉन आईटी फील्ड में स्टक हो और अपने कैरियर को आप अपग्रेड करना चाहते हो देन दिस इज द राइट टाइम टू लर्न फुल स्टैक एप डेवलपमेंट डेवलपमेंट का नाम सुनते ही स्टूडेंट के माइंड में ऐप डेवलपमेंट आता है या आता है वेब डेवलपमेंट? तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो जो कि वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट में कंफ्यूज है तो आप अपनी डेली लाइफ पे थोड़ी सी नजर डालो सुबह जब आप उठते हो तब भी आप मोबाइल ऐप के अलार्म से ही उठते हो नोट्स आपने बनाने हो गेम्स आपने खेलनी हो इंटरटेन आपने होना हो आपने सॉन्ग सुनना हो या आपने कोई सीरीज देखनी है नेटफ्लिक्स पे वर्ल्ड कप के अगर आपने मैच देखने है, इंस्टाग्राम पे आपने रील्स को स्क्रोल करना है इनफैक्ट आप दोस्तों के साथ भी अगर रील्स को शेयर कर रहे हैं या दोस्तों को आप स्नैप सेंड कर रहे हैं या आप सेल्फीज ले रहे हैं अपनी पिक्चर्स को एडिट कर रहे हैं तो इन सभी जगह पर मोबाइल ऐप को ही आप यूज कर रहे होते हो अगर आपने फूड को ऑर्डर करना हो या आपने रूम को बुक करना हो तब भी आप जोमेटो और ओयो ऐप को यूज कर रहे होते हो अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को देखेंगे अपनी सराउंडिंग में आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि लोग ज्यादा मोबाइल फोन को यूज कर रहे होते हैं या डेस्कटॉप को यूज कर रहे होते हैं यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मस्ट देना है कि लास्ट टाइम कब आपने फेसबुक डॉट कॉम इंस्टाग्राम डॉट कॉम ब्राउजर पर जाकर के लिख करके फेसबुक या इंस्टाग्राम को एक्सेस किया था तो इससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि डेली लाइफ में मोबाइल ऐप ज्यादा यूज होती हैं या वेबसाइट जस्ट इंडिया में एंड्रॉइड फोन यूजर डेली बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली पांच घंटे मोबाइल फोन यूज करता है और बच्चे भी कुछ कम नहीं है 12 साल से कम 42 परसेंट बच्चे मोबाइल फोन डेली बेसिस पे चार घंटे यूज करते हैं और ये मैं खुद से नहीं कह रहा ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इस टाइम इस पूरे वर्ल्ड में 8.58 बिलियन मोबाइल डिवाइसेस अवेलेबल हैं और ये नंबर खुद में इतना बड़ा नंबर है कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8.58 बिलियन से कम है तो इससे हमें पता चलता है काफी लोगों ने मोबाइल डिवाइसेस एक से ज्यादा भी रखी हुई हैं अगर आप एप डेवलपर बनते हो तो 8.58 बिलियन डिवाइसेस की मार्केट है आपके पास और अगर आपकी ऐप पर एक मिलियन डाउनलोड्स आ जाते हैं तो आप काफी अच्छा नंबर अर्न करना स्टार्ट कर देते हो और अगर एक मिलियन को हम 8.58 बिलियन से कंपेयर करें तो ये बहुत छोटा नंबर बनता है ऐप डेवलपमेंट में वेब डेवलपमेंट जैसी भीड़ नहीं है क्योंकि कॉलेजेस में हर दूसरा बंदा वेब डेवलपमेंट सीख रहा होता है इससे हमें पता चलता है ऐप डेवलपर मार्केट में कम है और अच्छे ऐप डेवलपर की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है ऐप डेवलपमेंट में आपके पास काफी फील्ड्स ओपन रहती हैं। आप चाहो तो जॉब कर सकते हो आप चाहो तो फ्रीलांसिंग में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो या आप अपनी प्रोडक्ट भी बना सकते हो और एक ऐप डेवलपर कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं उसके बारे में यहां पर आपको एक से बना हुआ बंदा आपको डिटेल से सिखा रहा होगा और आप उससे लाइव क्वेश्चंस भी कर सकोगे और यहां पर हम एकदम लेटेस्ट फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट सीख रहे होंगे जिससे आप मार्केट में एक लंबे समय तक रेलिवेंट रहेंगे इस सेक्शन में अब हम बात करेंगे वाई एप डेवलपमेंट यूजिंग कंपोज एंड के अगर आपने कभी ना कभी एंड्रॉइड स्टूडियो पे एक्सएमएल को यूज करके मोबाइल ऐप बनाई है तो देन दिस सेक्शन इज फॉर यू और अगर आप एकदम बिगनर हो एकदम नए हो तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे मूव कर सकते हो अगर आप आज के टाइम में भी XML को यूज करते हुए एंड्रॉइड एप्स बना रहे हो तो मार्केट के हिसाब से आप काफी पीछे रह गए हो क्योंकि आज के टाइम में कंपनीज़ प्रीवियस ऐप को जेट कंपोज़ पे लेके जाने का सोच रही है और न्यू जितनी भी एप्स आती हैं, उन जेट जेटपैक कंपोज़ को प्रायोरिटी दे रही है और आपने आज के टाइम में अप्लाई करना है जॉब के लिए तो इसके लिए आपको जेट कंपोज आना मस्ट है और देखो इन दी एंड आपको ही अपने स्किल सेट को अपग्रेड करना पड़ेगा अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपके स्किल सेट के हिसाब से कंपनी खुद को चेंज कर लेगी तो ये आपकी विशफुल और ख्वाहिशें तो सभी की पूरी नहीं होती थोड़ा लॉजिक से काम यहाँ पर लेते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि प्ले स्टोर पे हम ऐप को अपलोड करते हैं वो भी है गूगल का एंड्रॉयड स्टूडियो पे हम ऐप को डेवलप करते हैं वो भी है गूगल का और आपने देखा कि पहले जावा को कोटलिन से रिप्लेस किया गया और अब एग्जाम्पल के साथ रिप्लेस किया गया है जेटपैक कंपोज को और एंड्रॉइड डेवलपर्स की आप डॉक्यूमेंटेशन को जाकर के देखोगे तो वहां से भी एग्जाम्पल को असेंशियल से रिमूव कर दिया गया है तो इससे आपको जेटपैक कंपोज की इंपॉर्टेंस का आइडिया हो गया होगा और कुछ दिन पहले तक मास ले किया है फ्लटर डेवलपर्स का गूगल ने इसकी न्यूज भी आपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं सुन ली होगी और इससे पहले के एम पी लॉन्च हो चुका था तो गूगल की इन सभी बातों से सभी एक्शन से पता चल रहा है कि के एम पी इज नेक्स्ट बिग थिंग और इसीलिए हम यहाँ पर जेट कंपोज और के एम पी पे इन डेप्थ फोकस कर रहे होंगे एक्सएमएल से जस्ट एंड्रॉइड के लिए यूआई बनती थी जेट Compose कम्पोज में बहुत कूल यू आई बनती है जेट Compose में एडवांस फीचर्स भी हैं और काफी फास्ट भी है और के एम पी को यूज करते हुए हम एंड्रॉयड आईओ एस वेबसाइट और डेस्कटॉप एप को भी बना सकते हैं तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फुल स्टैक एप डेवलपमेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम में आप क्या कुछ सीखने वाले हो गाइज इस कोर्स कंटेंट को हमने काफी मेहनत के बाद और काफी टाइम स्पेंड करने के बाद बनाया है हमारी खुद की ऐप पर थ्री मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। गाइज माइलस्टोन हो हंड्रेड के डाउनलोड्स का या हो फाइव हंड्रेड के डाउनलोड्स का या हो वन मिलियन ऐप डाउनलोड्स का तो ये सभी माइल स्टोन नीट रूट ने अचीव कर रखे हैं हमारा जितना भी एक्सपीरियंस है ऐप को बनाने का आप सभी को सिखाने का और इससे पहले जो एड बैचेस हमारे जा चुके हैं आप जो कॉलेज में सीखते हो और मार्केट में जिस चीज की डिमांड है उसमें काफी गैप है हमने फुल ट्राई किया है कि इस गैप को खत्म किया जाए और तब जाकर के ये कोर्स कंटेंट डिजाइन हुआ है या हम कोटलिन की बेसिक से स्टार्ट करके प्ले स्टोर पे ऐप को पब्लिश करना सीखेंगे फ्रंट एंड की बात करो बैक एंड की बात करो यहाँ हम डिटेल से सीखने वाले हैं क्योंकि फुल स्टैक ऐप डेवलपर की डिमांड ज्यादा है तो कोर्स कंटेंट मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेट पैक कम्पोज के एम पी और स्ट्रॉन्ग बैक एंड पे मेन फोकस है और यहाँ पर टेन प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं तो सोचो आपके रिज्यूमे में टेन प्रोजेक्ट लगे हूं तो आपका रिज्यूमे कितना स्टैंड आउट करेगा यहाँ पर शॉपिंग ऐप की बात की जाए न्यूज हो मेडिकल स्टोर की हो, वीडियो प्लेयर, वेदर ऐप ये सारी की सारी ऐप्स हम यहाँ पर बना रहे होंगे कोर्स एकदम बिगनर फ्रेंडली है स्टार्ट करेंगे हम कोडलिन की बेसिक से हाथ पकड़ के आपको बेसिक सिखाई जाएंगी उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम डिटेल से सीखेंगे थोड़ा थोड़ा जावा के साथ कोडलिन को कंपेयर कर देंगे क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी जावा आती होती है तो जावा के साथ अगर कोडलिन को हम कंपेयर कर दें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बहुत ही सॉलिड हो जाती है उसके बाद हम मोबाइल एप्स को काफी इन डेप्थ में सीखना स्टार्ट कर देंगे फिर हम जेट कंपोज को एकदम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे नया टॉपिक है थोड़ा सा टाइम लगाएंगे जब यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट तगड़े हो जाएंगे देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल पर क्योंकि जब हमने बड़ी एप्स बनानी होती है स्पेशली जब हमने अपनी एप्स पर एड लगाने होते हैं तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके बाद हम इंटेंट्स को डिटेल से सीख रहे होंगे इंटेंट्स में टाइप की एप्स हम बना सकते हैं कोई भी फाइल आपने डाउनलोड करवानी है तो वो वाला काम यहाँ पर हो रहा होगा सिंगल पेज की तो ज्यादा सावल तो पर सा लेकर ले के जाएंगे यहाँ पर बेसिक ये वाले टॉपिक हम कवर कर रहे होंगे और डाटा को भी हमने अपग्रेड कर दिया है ऑनलाइन डाटा यहां पर हम फायरबेस सीखेंगे और यहां पर फायरबेस को यूज करते हुए हम एप्स भी बना रहे होंगे यहाँ पर जो भी हम टॉपिक कवर कर रहे होंगे साथ में उनकी एप्स बनाते जाएंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो रहा होगा कि यार ये टॉपिक टॉपिक इस जगह पे यूज हो रहा है देन आप अंडरस्टैंड कर पाओगे उस को इससे पहले तक शेयरेंसिस हम यूज करते थे बट यहाँ पर प्रेफरेंसिस डाटा स्टोर हम यूज कर रहे होंगे गूगल मैप्स को हम इन डेप्थ यहाँ पर पढ़ रहे होंगे फूड डिलीवरी एप की बात करें हम ओला की बात करें या कुछ एप्स में एड्रेस भी हमें देना पड़ता है तो इसके लिए हमें गूगल मैप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए तो यहां पर हम डिटेल से गूगल मैप्स को सीख रहे होंगे बैकएड यहां पर हम डिटेल से सीख रहे होंगे पर हम MongoDB को डिटेल से सीखेंगे फायर बेस को भी डिटेल से सीखेंगे और बैकेंड के लिए हम यहां पर पाइथन को भी यूज कर रहे होंगे डेवलपर की जो ड्यूटी होती है वो उसे एपीआई मिलती है एपीआई को सिंपली उसे यूज करना आना चाहिए बट यहां पर आपको फुल स्टैक एप डेवलपर हमने बनाना तो यहां पर आपको एपीआई बनानी सिखाई जाएगी एपीआई को कैसे हम टेस्ट करते हैं टेस्ट करने के बाद एंड्रॉयड ऐप में आप एपीआई को कैसे यूज कर सकते हो इसको हम डिटेल से सीख रहे होंगे यहां तक आप अच्छे खासे डेवलपर बन चुके होंगे तो अब बात आएगी इंडस्ट्री लेवल कोड करने की इंडस्ट्री लेवल कोड भी तो वही करना है ना तो इंडस्ट्री लेवल कोड के लिए एमवीवीएम और क्लीन आर्किटेक्चर के बारे में आपको डिटेल से आइडिया होना चाहिए क्लीन आर्किटेक्चर यहां पर हम डिटेल से इनडेप्थ सीख रहे होंगे अगर आपकी ऐप आप में नोटिफिकेशन लगे हुए हैं तो आपकी ऐप आप 40 परसेंट तक उसकी जो रिटेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगी जोमैटो की एग्जांपल तो आपके सामने ही है और वर्ल्ड कप भी आप देख रहे हो उसके भी आपको नोटिफिकेशन आते होंगे तो नोटिफिकेशन भी यहाँ पर हम डिटेल से सीखेंगे यहाँ पर मल्टी को हम डिटेल से सीखने वाले हैं म्यूजिक प्लेयर या वीडियो टाइप प्लेयर में हमें ऑडियो फाइल्स वीडियो फाइल्स फोन के स्टोरेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं स्टोरेज की परमिशन को कैसे यूज कर सकते हैं तो ये भी हम इन डेप्थ सीखेंगे अब जब किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हो इंस्टॉल करने के फौरन बाद आपसे काफी ज्यादा परमिशंस मांगी जाती हैं, तो ये फंडा भी हम डिटेल से सीख रहे होंगे और जो नेक्स्ट गेम चेंजर है डेवलपर्स के लिए के को यूज करके एंड्रॉइड आईओएस वेबसाइट डेस्कटॉप एप्स हम डिटेल से बनाना यहां पर सीख रहे होंगे इन डेप्थ हम यहां पर के को सीखेंगे और इतना ही नहीं प्लेसमेंट के लिए भी आपको कंप्लीट यहां पर गाइड मिलने वाली है रिज्यूमे कैसे बिल्ड करोगे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे आप कर रहे हो आप इंटर्नशिप को कैसे ग्रैप कर सकते हो इनफैक्ट हम खुद सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं काफी मोबाइल एप्स हमारे पास होती है हम खुद भी इंटर्नी हायर करते हैं तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट होंगे तो डेफिनेटली हम आपको हायर करेंगे मोबाइल ऐप से आप पैसा कैसे बना सकते हो अगर आपने फ्री फ्रीलांसिंग करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल में सिखाई जाएंगी इस कोर्स कॉन्टेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा तो आप इस कोर्स कॉन्टेंट को और अच्छे से पढ़ सकते हो आपको अच्छे से आइडिया हो गया है कि फुल स्टैक एडल पर बनने के लिए आप क्या कुछ सीखने वाले हो तो गाइस आपको सिखाएगा कौन उसके लिए यहां पर विशाल होंगे सर्व विशाल मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करते हैं और काफी डेवलपर्स के इंटरव्यूज भी ले चुके हैं जहां पर आपको मेरी नीड पड़ेगी मैं भी आपके लिए अवेलेबल रहूंगा इनफैक्ट नीट रूट टीम यहां पर आपको सिखा रही होगी जो डेवेल्पर यूजर इंटरफेस बनाने में एक्सपर्ट है वो आपको फ्रंट एंड सिखा रहा होगा सेम गोज फॉर बैक एंड ऐप में एड्स लगाने के लिए आपको एड एक्सपर्ट सिखा रहे होंगे और आपको फ्रीलांसिंग मिलनियर फ्रीलांसर सिखा रहे होंगे इनफैक्ट यहाँ पर आपके ग्रुप्स भी बनाए जाएंगे वहां पर आप कोलैब करके एक कंप्लीट ऐप बना रहे होंगे जिससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में कैसे एक टीम मिल करके एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है यहां पर सारे के सारे लेक्चर्स लाइव होंगे क्योंकि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स में समटाइम चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं और क्लास की टाइमिंग यहां पर साढ़े आठ से साढ़े दस रहने वाली है इससे जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर रहे हैं जॉब्स कर रहे हैं या इनफैक्ट कॉलेज जा रहे हैं तो शाम में वो फ्री होंगे तो साढ़े आठ से साढ़े दस इजीली क्लास को अटेंड कर पाएंगे दो घंटे की क्लास के बाद डाउट सॉल्विंग यहां पर होगी तो सिंपल सी बात है लाइव लेक्चर है तो लाइव लेक्चर में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो साथ में आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी तो असाइनमेंट जब आप बना रहे होगे तो आप अपने घर में बैठे हुए हो जाओगे स्टक जैसे ही आप स्टक होगे तो आपने क्या करना है अपने एरर का स्क्रीनशॉट ले करके कम्युनिटी में पोस्ट करना है उसी टाइम आपको हमारी टीम उस एरर का सलूशन बता देगी इससे आप एकदम स्मूथली कोड करते रहोगे आप किसी भी जगह पे स्टक नहीं होगे और गाइस फुल स्टैक एप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम की फर्स्ट क्लास होगी फिफ्टी जुलाई को आपके जितने भी डाउट हैं आपको उन सभी का आंसर मिल चुका है तो अब बारी आती है अब फुल स्टैक एप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम में कैसे इनरोल हो गए तो गाइज उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन से वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा वहां पर आप इजीली इनरोल हो सकते हैं अगर आप इंडिया से बाहर से हो तो फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा उस पर आपने क्लिक करके इनरोल हो जाना है वेबसाइट पर आप फोन पे और कार्ड पेमेंट कर सकते हैं और अगर आप इंडिया से बाहर से हो तो आप फॉर्म को यूज करते हुए इनरोल हो गए और फॉर्म पर ये सारे के सारे पेमेंट गेटवे को हम सपोर्ट कर रहे हैं और यहां पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा डिस्काउंट सिर्फ आपको हंड्रेड रुपीज का तब मिल रहा होगा अगर आप कार्ड से पेमेंट करोगे अरे सिर्फ हंड्रेड रुपीज डिस्काउंट नहीं और भी डिस्काउंट आने वाला है बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फोर मंथ्स में आप फुल स्टैक एप डेवलपर बन रहे हो और इस पेंटरशिप प्रोग्राम की फी को हमने सुपर अफोर्डेबल रखा है क्योंकि हमारा मेन गोल आपको एप डेवलपर बनाना है और फीस इतनी कम है कि फोर मंथ्स में तो आप इससे ज्यादा पिज्जा और बर्गर ही खा जाते हो तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को हम और अफोर्डेबल बना देते हैं तो उसके लिए हम लेकर के आए हैं अर्ली कमर ऑफर यहां पर आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा होगा जो कि फाइव डेज तक अवेलेबल रहेगा तो जल्दी से हो जाओ इनरोल टू बिकम फुल स्टैक एप डेवलपर। और गाइज यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि कुछ जो बच्चे होते हैं ना उनको लगता है कि एक ही दिन में ऐप पूरी बन जाती है और प्ले स्टोर पर भी पब्लिश हो जाती है क्योंकि वो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं हाउ टू क्रिएट ऐप इन फाइव मिनट तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जिसको लगता है कि एक मिनट में ऐप बन जाएगी या आप ऐसा कुछ विशफुल थिंकिंग कर रहे हो तो काइंडली आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल ना कीजिएगा और अगर आप सच में ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हो आप मोटिवेटेड हो और आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग पे बिलीव करते हो तो देन ही आपने फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम में होना है और ऑफर को मिस ना कीजिएगा अभी तो आप देख रहे हो मुझे यूट्यूब पे तो फिर लाइव हम बातचीत कर रहे होंगे तो मैं फुल स्टैक एप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए बहुत एक्साइटेड हूं तो मिलते हैं फिर हम क्लास में